गाइस मैं हूं मयंक और यार आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं ऑसम स्पिक्स के एक वीडियो पे जिसमें वो डीएनए टेस्ट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट का, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा था कि पाकिस्तान को कुछ पैसे दिए गए हैं और वो हमें वापस ले लेने चाहिए। यार तो मुझे बताया गया कि ये एक रिप्लाई है पाकिस्तान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को, तो चलिए देखते हैं। यार भैया हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज ऑसम स्पीकिंग। पिछले दिनों में कामी से पकोड़ा लेने गया तो वहाँ पे तेल में डूबे एक छोटे से अखबार के पन्ने में मुझे एक खबर छपी हुई दिखी, कॉटन कैंडी से हेयर स्टाइल बनाने वाले इस शख्स डोनाल्ड ट्रंप। मैंने उर्दू में बोल दिया ना डोनाल्ड। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से $33 बिलियन वापस लेने का ट्वीट मारा है। दिस ट्वीट इज वेरी स्वीट। कौन से पैसे यार ट्रंप पे? देख बात दरअसल ये है, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते हम आपको खुशी खुशी दे देते, पैसे ही मांग लिए। दर्जी से अर्जी करके शलवार में जिपर वाला पॉकेट डालने वाले कौन से किस किस तरह की उम्मीदें कर बैठा है तू पागले। बाबू भैया की कसम, किसी से लिया हुआ उधार हमें याद नहीं रहता और किसी को दिया हुआ उधार हम भूल नहीं सकते। बेटा जी यहाँ पे उधार किसी को अगर याद कराओ ना कि आपने पैसे देने थे, तो आपको बचपन से लेकर जवानी तक के सारे उसके किए हुए एहसान याद करा देता है। बहुत सही यार, बहुत सही। पैसे दिए थे यार, पैसे मिल सकते। फटी बनियान ने पहनता था इतने बड़े सुराख वाली, भाई अपने लिए बनियान लेने गया तेरे लिए भी लाया, वो भूल गया। 80 रुपए बनते हैं उसके भी, भूल गया। 20 रुपए जोड़ी वाले जुराबे ले रहा था तू, उसमें से 10 रुपए कम पड़ गए थे, वो किसने दिए थे? भाई ने दिए थे, भूल गया। 30 रुपए का गोला गंडा खिलाया था तुझे भाई ने, उसका हिसाब किया मैंने। हमारी कौम में अभी तक वो नस्ल जिंदा है जो कहते हैं अरे अभी तुम दे दो मैं बाद में दे दूंगा, और उस दिन के बाद उनकी बात कभी नहीं आती। ये बिकी हुई गवर्नमेंट कहती है कि पाकिस्तान में हर नए पैदा होने वाले बच्चे की पिट्ठी पे ख्याली मकरूज की मोहर लगी हुई। पता नहीं किसी कल्लू ने कैलकुलेशन किया है कि 1,28,000 का हर बंदा पाकिस्तान में कर्जी है, तो आइए आवाम से पूछते क्या वो इस आइडिया को तस्लीम करती है। 1,28,000 रुपया तुसी देना? नहीं, गवर्नमेंट तो कहती देना, तो गवर्नमेंट झूठ बोलती। गवर्नमेंट कही आंदो, गवर्नमेंट कहना मेरे घर शवान में भेज दी परौंठे पे। चप्पल को वायर लॉक लगाने वाली, 2 साबुन मिला के 1 साबुन बनाने वाली, स्ट्रॉ से हड्डी चूसने वाली, टूथपेस्ट पे टायर घुमा के उसकी रूह से पेस्ट वसूल करने वाली, बाइक की गर्दन घुमा के पेट्रोल का आखिरी घूट तक इस्तेमाल करने वाली, अखबार पे पकौड़े डालने वाली, बॉल पेन से नाड़ा डालने वाली, कभी USB वापस ना करने वाली, घर आई हुई बॉल को कभी वापस ना करने वाली, जिस सिम से लोन ले लिया वो सिम ही बंद कर देने वाली, रिमोट को जमीन पे पटक पटक के इस्तेमाल करने वाली, कौन से लेगा तू $33 बिलियन इधर किसी को उधार देने से बेहतर है बंदा कीचड़ पे अपना मुंह दे दे, इधर पैसे नहीं वापस मिलते। The United States has foolishly given Pakistan more than $33 billion in aid over the last 15 years. And they have given us nothing but lies and deceit. नहीं मतलब कि हमने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी वो वाली जंगें जिनसे हमारा कुछ लेना देना था ही नहीं वो भी जाके हमने लड़ी। अब जाहिर सी बात है यार, पानी वाले पिस्टल से थोड़ी फौजी लड़ेंगे यार, खर्चा तो आएगा, टमाटर ही देखो कितने महंगे हो गए। 15 साल से तुम्हारी वजह से टेररिज्म के हम सबसे बड़े विक्टिम रह चुके हैं, और हमारे लोंडों के टैलेंट को तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो यार, ठीक है? ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ये ट्रंपा जो भी डिजर्व करता है इसको दे दे। तेरी लो 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 गुड वन। ये मजाक के अलावा कुछ करते हैं आपके पैसों का ट्रंप साहब? सुना है हमारे हुक्मरानों को चुकाड़ा है, कर लिया था ये वाला। हमने पानी और शमशी तानाई से पेट्रोल बना लिया है जो तू इन्होंने। हाँ तो ठीक है, कुछ पैसे यहाँ से आएंगे, 1-2 आंटी सुगरा के पास कमेटियां रखी हुई हैं और थोड़ी ईदी भी मिलेगी, दे देंगे। ट्रंप की गलाजत की गहराई में अगर तुम घुसे तो तुम्हारा सर घूमर घूमेगा। चल पैसों की बात को थोड़ा तो खोपचे में रख के ऐसे ही बुराई करते। ये वही शख्स है जिसने अपनी बेटी के बारे में कुछ अश्लील किस्म के बयान दिए थे। एक मिनट बेटी लगाओ पहले, केड़ी मज्जे लगा रहे हो यार, सॉरी ये वाली। हाँ I've said that if Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. You know. Stop it! Oh, it's so weird. अजीब बेटी चोर आदमी है यार। ये मतलब क्या, कौन कहता है इस तरह कि मैं अगर अपनी बेटी का बाप ना होता तो मैं उसका डैडी होता? She's 6 feet tall. She's got the best body. Yeah, she's really something. And what a beauty that one.
if I weren't happily married and, you know, her father. Kya matlab dot 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 hoy teri behan da faluda hoy yaar, this is ajeeb sharminda tatti, this is awkward shit. यार दिस इज नॉट नॉर्मल. रेंडी रोना मुखा भाई, रेंडी ऑटन को बुलाओ. बहुत सही वीडियो बनाई है. Like some kind of gravity weapon. Oh my god. Do it. Hey, look at this. हाँ ट्रम्या, खुद ही बता तेरे मुंह पे कितनी दफा लाना थे कबीरा स्कैन करवाऊं. Billions and billions and billions. Okay. Billions and billions and billions and billions and billions. लड़कियों देखो, all men are dogs की थ्योरी का मुझे नहीं पता, लेकिन men like him are really big बड़े dogs. What's the favorite thing you have in common with your father, Donald, with your daughter? Well, I was going to say sex, but I can't relate that. हमारे इंटेल के मुताबिक जब डोनाल्ड ट्रंप के दादा अनुपम ट्रंप को ये चीज पता चली तो उन्होंने डोनाल्ड को जलील करते हुए उसको पुलिस के हवाले कर दिया. क्या वीडियो बनाया. मैं ऐसे ही वो बात कर रहा था कि उसकी जो बेटी है वो इवांका ट्रंप. भाई का दिल आ गया. क्यूट था बोलते यार. बड़ी बड़ी आंखें, नकील न मुहासे, मुलायम जिल. अच्छा खैर, सब्सक्राइब कर देना यार. सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब. ए भाई यार, ये तो भाई ने बहुत सही वीडियो बना दी. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना ज़्यादा फनी होगा, लेकिन यार मज़ा आ गया देखने में. और यार डोनाल्ड ट्रंप ना भूल गया है कि यार वो प्रेसिडेंट है, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स का. यार उसकी एक भी हरकत ना प्रेसिडेंट वाली नहीं है. ट्रंप की मैंने एक ऐसी वीडियो देखी है, अगर मैं वो यूट्यूब पर अपलोड कर दूँ तो मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगी. यार खुद अमेरिकन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को सीरियसली नहीं ले रहे, तो यार आप लोग क्यों ले रहे हो. खैर यार बस आज के लिए इतना ही. रिएक्शन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ. अगर आपको कोई सजेशन या फिर कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें. लाइक करना ना भूलना. एम करते हैं कम से कम 500 लाइक्स ही. अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें. तो फिर खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या इस्लामाबाद रहें, अमन की आशा. Hey guys, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं. तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी अभी स्क्रीन पे शो हो रही है, तो वहाँ पे आइए और यार वहाँ पे और बातें होंगी और आपको कुछ फनी क्लिप्स भी देखने को मिलेंगे जो मैंने बनाए ऑब्वियसली. तो यार आओ इंस्टाग्राम पे और वहाँ भी मैं रिक्वेस्ट लेता हूँ.